हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स की और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि डॉलर जो है तो अपसाइड को मोमेंटम दे सकता है, तो क्वांटिटी में मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है। अगर हम बात करते हैं आज के टारगेट्स की, तो वो भी मार्केट ने बहुत अच्छे से अचीव किए हैं। और यहाँ से देखिए, मार्केट ने हमें डिस्कस किया था, अगर मार्केट 100.812 को ब्रेक कर देती है तो डाउनसाइड का मोमेंटम मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 100.752 था, मार्केट ने एग्जैक्टली इसको हिट भी किया है। उसके बाद स्ट्रॉन्गली मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया 12:30 बजे के अराउंड। ये जो 12:30 बजे की आप कैंडल देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्गली ऊपर की तरफ गई है। उसका रीजन ये है कि जीबीपी यूएसडी उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और रेजिस्टेंस फेस करने की वजह से यहाँ पे आकर मार्केट ने स्ट्रॉन्गली डाउनसाइड का मोमेंटम लिया और मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। तो ये स्ट्रॉन्ग फॉल जो आप देख रहे हैं, इस रीजन की वजह से जो है डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ा है। और अगर ईयूआर यूएसडी देखें तो ईयूआर यूएसडी भी जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरा है। और इसी रेजिस्टेंस की वजह से डॉलर इंडेक्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला और यहाँ से इसको जंप मिला अपसाइड का। तो ये रीजन रहा है डॉलर इंडेक्स के ऊपर की तरफ जाने के और अब बुलिश मोमेंटम के। अदरवाइज भी जो टेक्निकल एनालिसिस हम डे के चार्ट पे देख रहे हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें लग रहा है यहाँ से कि मार्केट देखिए कितना स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी थी। यहाँ पे काफी दिन, 3-4 दिन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये स्ट्रांग सपोर्ट बना था। यहाँ से बाउंस बैक करके जब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ से अपसाइड को मोमेंटम जो है वो एक्टिवेट हो गया, तो इसलिए मार्केट ने अपसाइड को मोमेंटम लिया था। 101.204 हमने मैक्सिमम लेवल रखा था और मार्केट ने देखा एग्जैक्टली यहीं तक पहुंची है मार्केट, और यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर गई है। ये लेवल हमने क्यों मार्क किया था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था। अगर ये मार्केट अब ब्रेक कर देगी तो हमें 101.677 का टारगेट देखने को मिल सकता है मंडे को। तो इजी टारगेट रह सकता है ये, क्योंकि नॉर्मली जो हम कैंडल्स देख रहे हैं, कैंडल्स का साइज ऑलमोस्ट इतना तो बन ही रहा है। अदरवाइज अगर कैंडल की बॉडी छोटी बन रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल की बॉडी छोटी बन रही है, तो एटलीस्ट विक जो है ऊपर की तक जा रही है, तो इतना एरिया मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट मंडे को कवर कर सकती है अगर मार्केट ने अपना बुलिश मोमेंटम कैरी ऑन किया तो। अदरवाइज हम बात कर लेते हैं कि क्या ट्रेड रह सकता है मंडे के लिए। देखिए, हमने मार्क किया था 100.929, अगर ब्रेक करती है तो अपसाइड का टारगेट बनेगा 101.059 और इसके बाद 101.204 का। मार्केट ने एग्जैक्टली इसको हिट नहीं किया, बट इसके बहुत क्लोज आकर यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल ले लिया है। तो अभी भी मार्केट जो है सपोर्ट लाइन में बनी हुई है, 101.036 से सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कैंडल भी देखिए बॉडी छोटी हो चुकी है, सपोर्ट ले चुकी है, और अभी भी मार्केट जो है इसी के ऊपर ऊपर ही काम कर रही है। तो अगर यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगी तो 101.204 ये हिट कर सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि 101.204 ये दोबारा से हिट कर दे अगर रिवर्सल आता है तो। ठीक है, तो मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, डॉलर इंडेक्स ने अपसाइड को मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिया है, और मैं टारगेट्स भी पहले नीचे का एक टारगेट हिट किया, उसके बाद अपसाइड के टारगेट्स को हिट किया है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड पे कि गोल्ड में किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है हमें आज। गोल्ड में देखिए, हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ेगी, 1969 का लेवल तोड़ेगी, तो हमें डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। 1966 फर्स्ट टारगेट, 1962 सेकंड टारगेट रखा था, लेकिन मार्केट उससे भी और नीचे गई, 1958 से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर रही है। तो अब डाउनसाइड के टारगेट एक्टिवेट हुए गोल्ड में, और दोनों ही टारगेट्स मार्केट ने हिट भी करके दिए। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या रह सकता है। देखिए, मंडे को अदरवाइज डाटा तो आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है, लेकिन हाँ डाटा आ रहा है तो उसका मोमेंटम जो है मार्केट में हमें कैच करने के लिए मिल सकता है। यूजली मंडे को और फ्राइडेज को जो है डाटा कम आता है, लेकिन कभी कभी जो है मंडे को भी थोड़ा डाटा आ जाता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है, लेकिन हाँ हमें एक मोमेंटम कैच करने के लिए मिल जाएगा, टाइम फ्रेम मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है मंडे को। तो यहाँ पे देखिए, हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि अपसाइड पे अगर जाती है मार्केट तो हमें एक 101.677 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती हुई नजर आ रही है। 101.204 फर्स्ट टारगेट रह सकता है, और उसके यहाँ से यहाँ तक देखिए गैप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो डे के चार्ट पे चलते हैं एक बार, डे के चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के गैप में हमें कहीं पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ताकि हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा सा छोटा हो सके और सेफ रह सके। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पे हमने लाइन क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि मार्केट ने देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्लियर सपोर्ट लिया है, उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट बना है मार्केट में। यहाँ से मार्केट 3 कैंडल्स जो एग्जैक्टली इससे नीचे नीचे क्लोज हो गई है, इसके ऊपर नहीं जा पाई है, वेक ऊपर तक गई थी लेकिन वापस नीचे आ गई है। तो यहाँ से एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा और अगर हम स्ट्रेच करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं, तो यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पर इसके पास में आकर क्लोज आकर इसके ऊपर चले गई है वापस। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है, तो ये एक लेवल रह सकता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, तो वन आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं।
वनावा के चार्ट पे स्विच करने के बाद देखिए हमने 101.491 का एक लेवल मार्क किया है। उसके बाद हम पिवट्स भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पिवट्स हमें कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे S2 है, S2 को हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ये दो लेवल्स अभी हमें मिल गए हैं, इन दोनों के बीच में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर मार्केट ने भी डिसाइसिव लेवल अपसाइड का हमारा रहेगा 101.204 का ब्लैक मार्क करेंगे, और डाउनसाइड का रहेगा 101.039 का, इसको भी ब्लैक मार्क करेंगे। ये जो लेवल है इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट रहने वाला है। तो देखिए अगर मार्केट ने 101.204 ब्रेक किया तो 101.348 फर्स्ट, 0.491 सेकेंड एंड 0.677 थर्ड टारगेट रह सकता है अपसाइड के लिए। देखिए जो बीच में हमने एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करी हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप सेफ प्लान करना चाहते हैं तो 101.348 पर आकर आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट सडनली ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो मोमेंटम को देखिए, अगर बहुत छोटी छोटी सी कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे छोटी छोटी सी कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है, तो आप यहाँ पर आकर एग्जिट कर सकते हो। और अगर मार्केट ने इसी लेवल के पास 1, 2, 3 कैंडल्स दे दी यहाँ पर आकर, तो आप यहाँ से जल्दी एग्जिट कर लीजिए क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल भी ले सकती है। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं ये इसलिए हमने ऐड किए हैं ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट कहाँ पर आकर रेस्ट ले सकती है और हमें कहाँ से एक सेफ एग्जिट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड पर जाती है तो 101.036 को ब्रेक होने दीजिए, इसके बाद 100.929 फर्स्ट और 100.812 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे डॉलर इंडेक्स के लिए मंडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में भी देखिए डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे के चार्ट में देखिए मार्केट हमने डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग लेवल है 1978 का, और यहाँ से मार्केट पहले भी रिवर्सल्स ले चुकी है मल्टीपल, यहाँ से आप देख चुके हैं यहाँ पे रिवर्सल ले चुकी है, काफी टाइम तक रिवर्सल लेती रही है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था पहले, तो ये हमने कल की वीडियो में काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था कि ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो यहीं से एग्जैक्टली मार्केट रिवर्सल ले रही है और अभी नीचे का मोमेंटम गिरता हुआ बना हुआ है यहाँ से, तो मार्केट और नीचे की तरफ जा सकती है। इस टाइम पर हमारे लिए जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकता है ये वाला लेवल, ये 1954 का। ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली इस लेवल के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना। इससे पहले हिस्ट्री अगर चेक करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बना है, यहाँ पर सपोर्ट बना है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, फिर क्लियर सपोर्ट मिला, फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है हमारा। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है इस टाइम पर हमारे लिए। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम मंडे को ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो ये लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये बनावा के चार्ट पे हमने ड्रॉ करी हैं और ये सारी हमने वीडियोस में ही ड्रॉ करी है, ये अलग से मैंने नहीं ड्रॉ करी है, सब आपके सामने ही ड्रॉ करी है। तो अगर आप पुराने वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लेवल्स को किस बेसिस पे हमने ड्रॉ किया है, डे के चार्ट पे बेसिस पे ड्रॉ किया है या हमने वन आवर के चार्ट पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं कि किस तरह से मार्केट रिस्पॉन्ड कर सकती है। देखिए फिलहाल अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो एक छोटे से डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है, नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है, तो ये एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके कि मार्केट किस तरह का ट्रेंड बनावा के चार्ट पे दे रही है। मार्केट हमें डाउन ट्रेंड दे रही है बनावा के चार्ट पे, तो अब हमें अगर अपसाइड पे जाना है तो हमें सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ही ब्रेक होने देनी होगी। ये ब्रेक होते ही मार्केट जो है हमारी 1966 को हिट करेगी। 1966 ब्रेक होता है 1969 फर्स्ट टारगेट, 1973 सेकंड टारगेट और 1978 थर्ड टारगेट रह सकता है। डाउन साइड के लिए मार्केट अगर 1962 को ब्रेक कर देती है तो 1958 फर्स्ट टारगेट, इसके बाद हमारे छोटे टारगेट्स मिलेंगे, 1955 का एक छोटा टारगेट मिलेगा। इस बीच में अगर आप ट्रेड प्लान नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे एस्केप कर सकते हैं, स्किप कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि छोटी कैंडल्स बन सकती है यहाँ पर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड एंट्री लेनी है 1955 के नीचे क्लोजिंग आने पर। यहाँ पे क्लोजिंग आते हैं तो 1952 का एक हमें लास्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हमारे जो टारगेट्स हैं एक बार हम उसको ग्रीन मार्क कर लेते हैं और जो हमारे डिसोसिएटिव लेवल्स हैं उनको हम ब्लैक मार्क कर लेंगे। अपसाइड के लिए हमारे पास देखिए ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हैं 1966 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप 1966 का तक का क्विक ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिस्की लग रहा है तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो आप बाय साइड का ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो 1966 में हम डिसेसिव लेवल कंसिडर कर लेते हैं और 1962 का एक डिसेसिव लेवल रहेगा, इसको ब्रेक किया तो मार्केट नीचे के गिरने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे।
और 1955 का एक हमारा टारगेट रहेगा और 1952 का भी हमारा एक टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे मंडे के लिए, गोल्ड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और किस तरह से ओपन करना है, कितने फंड्स ऐड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं, कैसे विड्रॉ करने हैं, आपकी सारी क्वेरीज के जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो एक बार इन लिंक्स को गो थ्रू कर लीजिए, वीडियो लिंक्स को गो थ्रू कर लीजिए, आपके आपको इजी रहेगा अपना अकाउंट ओपन करने में और ट्रेडिंग स्टार्ट करने में। अब हम स्विच करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को की तरफ। तो यहाँ पे देखिए तीन टाइम फ्रेम्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अदरवाइज आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को देखिएगा उसमें आपको और भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने को मिलेंगे, जिस टाइम पे आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है, एक मोमेंटम कैच करने को मिल सकता है। लेकिन मेजरली जो गोल्ड से कनेक्टेड मुझे लगा तो वो यहाँ पे हमने रखा है। तो ये फोकास्टेड लेवल्स हैं और ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स जो है मंडे को हमें इन टाइम फ्रेम्स पर मिलेंगे। यूरोप का डाटा आ रहा है, जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है तो वो कंट्री के लिए अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है तो कंट्री के लिए बुरा है। तो सेम चीज है। सर्विसेज जो है, यहाँ पे सर्विसेज पीएमआई आ रहा है 7:15 बजे यूएस का। जितनी ज्यादा सर्विसेज कंट्री प्रोवाइड कर रही है उतना ज्यादा कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, और जितनी कम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उतनी ही कंट्री की इकोनॉमी नीचे की तरफ गिरती है। ठीक है, तो सिंपल से एनालिसिस है, सिंपल से वर्ड्स है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें किस किस तरह का डाटा चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे डाटा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव इन द सेंस कि 40.3 है यहाँ पे, 40.6 है यहाँ पे, अगर 40.6 से ऊपर आ जाता है, 40.7 आ गया है, ठीक है, या फिर हाँ 40.7 आ गया, 40.8 आ गया, ऊपर आ जाता है, तो देखिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, पॉजिटिव डाटा है, और इसकी वजह से EURUSD जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, EURUSD इसमें ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर EURUSD ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें पता है डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है, क्योंकि ऑपोजिट करेंसी है, और डॉलर इंडेक्स अगर नीचे की तरफ गिरता है तो हमारा जो गोल्ड है XAUUSD जो है वो हमारा बढ़ सकता है, ऊपर का मोमेंटम ले सकता है। और ऑपोजिट चलेंगे, अगर ये डाटा नेगेटिव आया, यानी कि 40.6 से कम आया, 40.4 आ गया, 40.2 आ गया, अगर 40.2 आता है तो ये तो और ज्यादा कंफर्म हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से भी नीचे होता है। एक्सपेक्टेशन हमारी फोरकास्ट हमने लिख रखा है यहाँ पे, फोरकास्टेड लेवल है 40.3 का। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन से भी कम आ जाता है, यानी कि और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा उस कंट्री के लिए, और EURUSD इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है, डॉलर इंडेक्स अपसाइड मोमेंटम ले सकता है। सेम चीज है आपका जीबीपी में। जीबीपी में अगर यहाँ पे डाटा पॉजिटिव आता है तो हमारा जीबीपी यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा, और ऑपोजिट इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा, और डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा गोल्ड के ऊपर पड़ेगा। सेम चीज सर्विसेज पीएमआई पे के ऊपर भी आती है, यूएस के ऊपर आती है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसमें डॉलर इंडेक्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, DXY में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, और डॉलर इंडेक्स का ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड के ऊपर, यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो गोल्ड हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा और इन टाइम फ्रेम्स को आप नोट कर लीजिए, टाइम फ्रेम्स आपको काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।